हेलो टू ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे इंटरनेशनल ओलम्पियाड के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, ड्राइंग, इन सारे सब्जेक्ट में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ओलम्पियाड कंडक्ट होते हैं और जिसमें बच्चे खुद से इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसके ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट का यूज करके इसके ऑनलाइन एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर कोई स्कूल भी खुद को इसमें रजिस्टर करते हैं तो वो अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि उसके बच्चे भी इसके एग्जाम को घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का यूज करके इसके एग्जाम को दे सकते हैं। और इसमें लाखों रुपए तक का कैश प्राइजेज बच्चे जीत सकते हैं, मेडल एंड रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट भी जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में सारा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसमें किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, क्या रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, डेट मीन्स एग्जाम पैटर्न और क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इस बिगेस्ट ओलंपियाड का नाम है द इंटरनेशनल ओलंपियाड और ये द इंटरनेशनल ओलंपियाड जो है ये स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पर। और ये जो द इंटरनेशनल ओलंपियाड का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, डेट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो बच्चों के एकेडमिक सिलेबस के ऊपर ही रहता है। डेट मीन्स जो स्कूल का उनका जो सिलेबस है उन्हीं के ऊपर ये इनका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बेस्ड रहता है। और ये जो द इंटरनेशनल ओलंपियाड बच्चों के नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या करती है, एनालिसिस करती है ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो पाए इंटरनेशनल लेवल। आपको बता दूं कि इसमें क्लास वन से लेकर के क्लास टेन तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम होते हैं इसके सब्जेक्ट में एग्जाम होते हैं तो देखिए इसमें सिक्स सब्जेक्ट में यानी छह सब्जेक्ट में इसके इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम होते हैं जो कि इसमें इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होते हैं, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड होते हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड होते हैं एंड इंटरनेशनल एसे ओलंपियाड होते हैं। तो ये छह ओलंपियाड इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें टू टाइप के ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक इंटरनेशनल एनुअल ओलंपियाड होता है, एक इंटरनेशनल मंथली ओलंपियाड होता है। ये टू टाइप के इंटरनेशनल ओलंपियाड इसमें होते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल एनुअल ओलंपियाड क्या होता है, ये इंटरनेशनल एनुअल ओलंपियाड में साल में एक बार ये ओलंपियाड एग्जाम होता है। डैट मीन्स इसमें बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनका एग्जाम साल में एक बार होगा जो कि साल के लास्ट में होगा यानी एंड ऑफ द ईयर होगा। और इसमें एक मंथली ओलंपियाड होता है। मंथली ओलंपियाड क्या होता है, मंथली ओलंपियाड जो है इसमें हर मंथ ये ओलंपियाड एग्जाम होता है। मतलब जो बच्चे इसके मंथली ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं वो हर मंथ ये मंथली ओलंपियाड के एग्जाम को देते हैं। ये हर मंथ उसको ये एग्जाम देने से ये बेनिफिट होता है कि उनको प्रैक्टिस हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारा कुछ आइडिया मिल जाता है जो उनको हेल्प करता है इसके एनुअल ओलंपियाड में। अब चलिए मैं प्राइजेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए तो जो बच्चे इसके एनुअल ओलंपियाड के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो इस एनुअल ओलंपियाड में ईयरली प्राइजेज मिलते हैं। तो इसमें जो रैंक वन होल्डर होते हैं तो इसमें 10 विनर जो होते हैं, ठीक है, क्लास वन से लेकर क्लास टेन तक में जो 10 विनर होते हैं तो उनको इसमें $1,000 का कैश प्राइज मिलता है। तो देखिए ये डॉलर जो है, ये $1 जो है वो इंडियन रुपीज में अभी 74 रुपीज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना इसका अमाउंट बनेगा वो अमाउंट, तो जैसे अभी 74 रुपीज अगर चल रहा है तो 74,000 रुपया होता है, 74,000 रुपीज होता है। ये 74,000 तीन विनर को क्लास वन से लेकर के टेन तक के बच्चों को, ठीक है, ये प्राइज रैंक वन होल्डर के लिए है। एंड रैंक टू के लिए 10 विनर्स को है $500 का, क्लास वन से लेकर क्लास टेन तक के बच्चों के लिए ये प्राइज है। एंड रैंक थ्री होल्डर के लिए क्या है, 10 विनर को $250 क्लास वन से लेकर के क्लास टेन तक के बच्चों के लिए, ये रैंक थ्री के लिए ये प्राइज है।
तो बात करें अगर इसके मंथली ओलंपियाड के प्राइजेज की, तो देखिए इसमें क्वार्टरली बेसिस पे प्राइजेज दिए जाते हैं, यानी हर 3 महीने पे इसमें प्राइजेज दिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं इसमें 10 विनर को, यानी 10 के हर विनर को इसमें $100 का प्राइज दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है। और सेकंड रैंक होल्डर को 10 विनर्स को, यानी उसमें 10 में हर विनर को $50 का कैश प्राइज दिया जाता है। एंड ऑल जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट किए हैं इसके मंथली ओलंपियाड में। ये क्वार्टरली दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये डॉलर में दिया हुआ है, इसके जो प्राइजेज है चाहे वो एनुअल है चाहे मंथली है, तो इसमें डॉलर में इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ओलंपियाड है और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करके अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अमाउंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि $1 है अभी 74 रुपीज के हिसाब से चल रहा है, तो अगर ये $100 है यानी 7400 रुपया ये बनता है, क्योंकि क्वार्टरली है, 7400 रैंक वन को मिलेगा। तो उसी तरह अगर एनुअल वाला है तो एनुअल वाला $1000 था फर्स्ट रैंक को, तो $1000 गुना 74 यानी 74,000 फर्स्ट रैंकर को मिलेगा। तो ये आपको, अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आप अपने इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपको प्राइजेज मिलेगा इंडियन रुपीज में। अब इसके एनुअल ओलंपियाड के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो है, टोटल जो क्वेश्चंस है वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स भी 50 रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा, यानी कितने देर का एग्जाम होगा, वो 45 मिनट का इसमें एग्जाम होगा। और ड्राइंग का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल मार्क्स 50 रहेगा, बट इसका जो टाइम है एग्जाम का जो ड्यूरेशन वो 60 मिनट का रहेगा। जो एसे का जो एग्जाम है उसका भी मार्क्स 50 रहेगा, बट इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो 40 मिनट रहेगा। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जो ड्राइंग और एसे के जो एग्जाम देंगे इसमें, तो ड्राइंग एंड एसे का जो भी है उनको फोटो खींच करके उनको अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें जो एसे का जो एग्जाम होगा तो वो एसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है। और अगर इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका जो ओवरऑल सिलेबस जो है वो आपके एकेडमिक सिलेबस के ऊपर ही रहेगा, डेट मीन्स आपके स्कूल सिलेबस के ऊपर ही रहेगा। और उसमें प्रॉब्लम बेस्ड फिगर, सीरीज कंप्लीशन, ओड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेजेज, एम्बेडेड फिगर, सिमेट्री एंड अल्फाबेटिकल टेस्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन से भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे। और जो इसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, डेट मीन्स क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग वेरी करता है। डैट मीन्स अगर आप जूनियर क्लासेस में हैं तो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन आप अगर हायर क्लासेस में हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्म रहता है, डैट मीन्स क्वेश्चन किस तरह के होंगे इसमें, तो वो आपके नॉलेज, एबिलिटी एंड रीजनिंग कैपेसिटी के बेस्ड रहते हैं। डैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेम सिलेबस इसके मंथली ओलंपियाड के लिए है, बट इसके मंथली ओलंपियाड में जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि मंथली ओलंपियाड में जो एग्जाम पैटर्न है, डैट मीन्स मंथली ओलंपियाड में आपको टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 30 मार्क्स रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपको 30 मिलेंगे। और जो एग्जाम का टाइम रहेगा वो 25 मिनट रहेगा एग्जाम का टाइम। अब अगर इसके एनुअल ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो देखिए एनुअल ओलंपियाड का जो रजिस्ट्रेशन फी है पर सब्जेक्ट, वो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट के लिए है $10 और इंडियन स्टूडेंट के लिए 250 रुपीज होता है पर सब्जेक्ट। और मंथली ओलंपियाड के अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो जो इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हैं अगर वो इसमें पर सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पर सब्जेक्ट जो इसका रजिस्ट्रेशन फी है वो 3 महीने के लिए $10 है, 6 महीने के लिए $15 है एंड 1 ईयर के लिए $30 है। और अगर इंडियन स्टूडेंट के लिए इसके मंथली ओलंपियाड के पर सब्जेक्ट की फी की बात करें तो देखिए इसमें जो पर सब्जेक्ट फी है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए 3 महीने के लिए 250 रुपया है, 6 महीने के लिए 1000 रुपया है एंड आपका 1 पूरा साल के लिए 1000 रुपया है। जो बच्चे इसके एनुअल एंड मंथली ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए इसके वर्कबुक
एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो देखिए इंडिया से बाहर के स्टूडेंट के लिए इसका वर्कबुक का जो प्राइस है वो $5 है एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो प्राइस है वो $8 है। और ये जो आपको वर्कबुक एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो ई बुक के फॉर्म में मिलेगा। और जो इंडिया का स्टूडेंट है तो उनके लिए इनका जो वर्कबुक का जो प्राइस है वो 80 रुपीज है एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो 120 रुपीज है। जिसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे इसके वर्कबुक एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने को मिलेगा तो वहां से आप इसके वर्कबुक एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके एग्जाम के शेड्यूल की तो देखिए इसके एनुअल ओलंपियाड का जो शेड्यूल है वो आपको 2 स्लॉट में देखने को मिलेगा तो आप किसी एक स्लॉट को आप इसमें चुन सकते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो अगस्त स्लॉट 1 का जो है अगस्त से सितंबर के बीच होगा और स्लॉट 2 का जो एग्जाम है जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपको 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस एग्जाम शेड्यूल को आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बात करें अगर इसके मंथली ओलंपियाड के शेड्यूल की तो देखिए इसका जो मंथली ओलंपियाड है ये हर मंथ ऑर्गेनाइज होता है। डेट मीन्स हर मंथ इसका जो मंथली ओलंपियाड का टेस्ट होता है। तो इस मंथली ओलंपियाड के शेड्यूल को जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ठीक है, तो ये मंथली ओलंपियाड क्या है 10 से 6 बजे हर मंथ जिस डेट पे आपका एग्जाम है तो 10 से 6 बजे तक आप किसी टाइम पे भी इस मंथली ओलंपियाड को दे सकते हैं। और ये हर मंथ के सैटरडे को ही होता है। तो इस मंथली ओलंपियाड के शेड्यूल का भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां से आप इसके शेड्यूल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप अगर इस द इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप इसके नंबर पे कॉल करके आप जो भी आपका क्वेरी है वो सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि कोई स्कूल खुद को इसमें रजिस्टर करके कैसे अपने बच्चों को इसमें रजिस्टर कर सकता है इसके ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और कोई बच्चे बिना अपने स्कूल रजिस्ट्रेशन के, मतलब अगर उसका स्कूल इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई बच्चे इसमें इंडिविजुअल कैसे रजिस्टर कर सकते हैं खुद को इसके मंथली ओलंपियाड और इसके एनुअल ओलंपियाड के लिए। चलिए मैं सबसे पहले स्कूल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए कोई स्कूल अगर इसमें खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं और अपने बच्चों को रजिस्टर करना चाहते हैं तो देखिए उनको सबसे पहले इनका वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.theinternationalolympiad.com जैसा कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे आपको स्कूल ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा, स्कूल ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का डिटेल फिल करना पड़ेगा ठीक है। स्कूल का डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने इंचार्ज टीचर्स का डिटेल फिल करना होगा। और यहाँ पे आपको सारे बच्चे का इनरोलमेंट का डिटेल फिल करना होगा, कितने बच्चे कितने वर्कबुक यहाँ पे ले रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ फिल करना होगा। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने बच्चे ले रहे हैं वो डिटेल फिल करना होगा। और इसके स्टडी ऐप के लिए भी कोई बच्चे अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि एक्सेल एंड वर्ड के फॉर्मेट में होगा। अगर आप इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके लिंक को यहाँ पे आप क्लिक करके इसके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में सारा डाटा फिल करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए यूज फाइल है, यहाँ से आप अपलोड आपको करना पड़ेगा। और जो टोटल ग्रांट टोटल अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इस द इंटरनेशनल ओलंपियाड को। चलिए बता दूं कि कोई बच्चे खुद से अगर इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर उसका स्कूल इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो भी अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए उनको क्या करना पड़ेगा। तो वो द इंटरनेशनल ओलंपियाड का वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा जो कि वेबसाइट है www.theinternationalolympiad.com। इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको
ऊपर में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना था। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन होकर के आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2021-22। ये एनुअल एंड मंथली ओलंपियाड के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी जो बच्चे इसमें एनुअल ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और मंथली ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसी फॉर्म से वो दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे अपना करेंसी चुनना होगा। अगर आप इंडिया के बाहर, अगर आप इंडिया से बाहर के स्टूडेंट है तो यहाँ से आपको यूएस डॉलर चुनना होगा, और अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो रुपीज आपको चुनना होगा। और उसके बाद आपको सारा यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, ठीक है, अपना नाम, पेरेंट्स का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल करने के बाद के एनुअल ओलंपियाड में किस सब्जेक्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा आपको अपना सब्जेक्ट। और अगर आप मंथली ओलंपियाड में किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको मंथली ओलंपियाड का आपको सब्जेक्ट यहाँ से चुनना होगा। पार्ट में आप कितने मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन ये लेना चाहते हैं, 3 मंथ का लेना चाहते हैं, 6 मंथ का लेना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ये चुनना होगा। और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आपको ये टिक आउट करना होगा। एंड आपको फिर नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रांट टोटल अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपको ये दोनों चेक बॉक्स में आपको टिक करना होगा, टिक करने के बाद साइनअप पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप साइनअप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ये सारा चीज का आपको ऑप्शन, नेट बैंकिंग, ये सारा चीज का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वहां से आप इसके पेमेंट को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके एनुअल एंड मंथली ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के वीडियो में यही सारा कुछ था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।